कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति लंबे समय से राज्यों के 1000 के करीब मतदाताओं की सूची को अंतिम रूप देने में जुट गई है, जो नए अध्यक्षों को चुनेंगे। चुनाव कब तक हो जाएंगे, ये जवाब अभी तक चुनाव समिति के पास नहीं है, बस चुनावी प्रक्रिया चल रही है। जबकि राहुल गांधी के विदेश से लौटने पर ही साफ होगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। राहुल समर्थक 99.9% उन्हीं के अध्यक्ष पद संभालने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 100% का फैसला राहुल पर निर्भर करता है। राहुल गांधी विदेश से लौटने पर 7 जनवरी से पार्टी के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के नेता उनकी मनुहार कर दोबारा से पद संभालने की पेशकश करेंगे। उम्मीद है कि सहमति बनी तो कांग्रेस कार्य समिति ही उन्हें अध्यक्ष चुन लेगी। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन बुलाकर राज्यों से चुने गए AICC के प्रतिनिधि उस पर अपनी मोहर लगा देंगे। इससे चुनाव की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर करीब 15 महीने और बीते 16 महीनों से कार्यकारी अध्यक्ष के बाद जो भी अध्यक्ष होगा ज्यादा से ज्यादा 1 साल का शेष कार्यकाल मिलेगा। ऐसे में इस बात की भी संभावना बढ़ गई है कि पार्टी फिलहाल चुनाव कराकर किसी अन्य नेता को अध्यक्ष बना दे और अगले साल तक राहुल गांधी को इसके लिए तैयार कर ले। जबकि राहुल के करीबियों का कहना है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद के लिए तैयार करेंगे। साथ ही आने वाले महीनों में राजस्थान में 1 या 2 दिन का अधिवेशन बुलाकर उस पर पार्टी की मोहर लगवाई जा सकती है। वहीं यूपीए चेयरमैन को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में तकरार बढ़ गई है। शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने के शिवसेना के प्रस्ताव पर ज्यादातर विपक्षी दल सहमत है। उन्हें इससे यूपीए का कुनबा बढ़ने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को अपना अधिकार छिनता दिख रहा है। इस पर कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। यूपीए में सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस अध्यक्ष इसका चेयरमैन होता है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं और ऐसे में अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो यूपीए के अधिकतर घटक दल उनके नेतृत्व में असहज महसूस करेंगे। इसलिए उनको लगता है कि पवार के यूपीए अध्यक्ष बनने से ना सिर्फ यूपीए मजबूत होगा बल्कि उसमें तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना जैसी दूसरी पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। बीजेपी से अलग होकर शिवसेना भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पिन 9 न्यूज़।